है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर, और जो हमारा डीके गोयल के सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर चल रहा था, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिया था और आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम और कर देता हूँ, ये रहा 35। देखिए, दो पार्टनर हैं पी और क्यू। पी एंड क्यू और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 15 मार्च को फर्म डिसॉल्व हुई। डिसॉल्यूशन में जो लॉस था वो 60,000 का था। मुझे ये बताओ, डिसॉल्यूशन में जब प्रॉफिट होता है तो कहाँ जाता है? सर, डेबिट साइड। और लॉस होता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। लेकिन यहाँ क्या फंडा है, यहाँ ये चीज़ कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड जाती है, लेकिन एंट्री में कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। कितने पार्टनर हैं? सर, पी और क्यू। तो लॉस दोनों झेलेंगे 60,000 का। एंट्री क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 60,000 का लॉस है, दोनों पार्टनर झेलेंगे बराबर बराबर। यानी कि मैंने एंट्री करी भी है, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ। ये रही एंट्री पहली, पीस कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिलाइजेशन अकाउंट 60,000, 30,000, 30,000 बांट दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उनका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था वो शो हो रहा है, एक बैंक बैलेंस है 60,000। यानी कि अब बैंक बैलेंस यानी कि जो पेमेंट करना है वो 60,000 के हिसाब से करना है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये जो 60,000 का बैंक बैलेंस है वो किस हिसाब से पेड करना है। अब आपको बताना है कि ये जो 60,000 रुपये हैं वो कैसे कैसे मिले, क्या है वो ध्यान से देखिएगा बेटा। लॉस 60,000 का था, जो कि दोनों में बटा 30,000 30,000, और पी का जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 70,000। 30,000 का तो लॉस हो गया, और बाकी का क्या है? 40,000 क्या हो गया उसको? पेमेंट, फाइनल पेमेंट। ऐसे इधर देखिए, 50,000 का यहाँ क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ 30,000 का लॉस तो मिल गया था, यानी कि 20,000 का और क्या है? 20,000 का फाइनल पेमेंट है। यानी कि इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? ये देखो, इसकी एंट्री मैंने पास करी है, पीस कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, 40,000 20,000 और 60,000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा इजीली। तीन पार्टनर हैं गौरव, सौरभ एंड वैभव। रेशियो है 2:1। उन्होंने डिसाइड किया फर्म को करेंगे डिसॉल्व। सैंडरी एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर, और थर्ड पार्टी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है। अ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख वॉज टेकन ओवर बाय गौरव एट 50%। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 6 लाख, उसमें से आधा ले लिया किसने? आधा किसने ले लिया? 50% किसने लिया? गौरव ने ले लिया। मतलब 6 लाख की में कितने में ले लिया? 3 लाख में। तो मुझे ये बताओ, जब कोई पार्टनर किसी एसेट पर टेक ओवर करता है तो रिलाइजेशन में कहाँ डालते हैं हम? सीआर साइड में डालते हैं, लेकिन यहाँ एंट्री में कहाँ डालेंगे? डीआर साइड में डालेंगे। और क्योंकि पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो उसके नाम से डालते हैं। एंट्री क्या होगी? गौरव कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलाइजेशन अकाउंट। एंट्री यहाँ भी देख सकते हो, गौरव कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलाइजेशन अकाउंट 3 लाख। आगे बढ़े इसी में, एंड स्टॉक वर्थ 5,000 वर टेकन ओवर बाय कैटर ऑफ 9,000 फुल सेटलमेंट। 5,000 का स्टॉक जो कैटर्स थे जिनको 9,000 रुपये देना था, उन्होंने ले लिया फुल सेटलमेंट। यानी कि ना कुछ आया ना कुछ गया, कोई एंट्री पास नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 3 लाख, वो बेच दी 4 लाख में, और ब्रोकर ने 2% कमीशन लिया। 3 लाख की चीज 4 लाख में बेच दी, और 4 लाख का 2% कमीशन होगा 8,000, यानी कि 3,92,000। और ये बेचा है तो रिलेशन में कहाँ आता है? सीआर में आता है। सर, पैसा आ रहा है फर्म पे, लेकिन यहाँ कहाँ आएगा? डीआर में। एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 3,92,000। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। रिमेनिंग कैटर्स वर पेड 76,000 फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। जो कैटर्स बचे उनको 76,000 का पेमेंट किया। तो मुझे बताओ, जो हम पेमेंट करते हैं रिलेशन में तो कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड में डालते हैं। और क्योंकि यहाँ कहाँ डालेंगे? सर, क्रेडिट साइड में डालेंगे। एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। पैसा गया हमारे पास से। एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर टेक ओवर बाय वैभव। और जो एसेट बची थी वो किसने ले ली? वैभव ने ले ली। सर, ये रिलेशन में सीआर में जाता है, और यहाँ कहाँ जाएगा? डीआर में जाएगा। एंट्री क्या होगी? वैभव कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिलेशन 17,000। बैंक का लोन था 3 लाख रुपये का, वॉज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000। 3 लाख का लोन था, 21,000 की ब्याज। जब भी हम रिलेशन में किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं तो रिलेशन में डेबिट साइड जाता है, और यहाँ का आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। पैसा जा रहा है हमसे रिलेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। कितना जाएगा? 3 लाख का लोन और 21,000 की ब्याज, 3,21,000। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 36 कर लिया।
अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो व्हाट्सएप करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है। आपको अपने चैप्टर से रिलेटेड बिजनेस अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिएगा। थैंक यू सो मच।